my question is essentially two-parter. One, do you think, and pardon me if I'm wording this wrong, but you'll get the general gist of what I'm saying, that the fact that the core of the team a year and a half ago were going to push for a players' union and try to get increased revenue played a role in the board trying to destabilize the team from the inside out. During the 2020-2022 season, I thought the team was more unified. And now Shaheen Bhaver apparently not speaking. Number two, am I giving the PCB and Xhaka too much credit for even thinking they're capable? Usman, under a minute. यस, यू आर गिविंग टू मच क्रेडिट थिंकिंग दैट दे आर केपेबल ऑफ दिस. वो इस तरह की कोहेरेंस नहीं संभाल सकते हैं. ये लड़कों ने कोशिश करी थी, प्लेयर्स यूनियन, वो खुद से कोशिश नहीं कर रही थी, उनके पीछे कुछ और लोग थे जो कोशिश करवा रहे थे उनसे कि आप ये प्लेयर्स यूनियन सेट करें. वो नहीं हो सका. पीसीबी ने दो तीन प्लेयर्स को खुश कर दिया कि हम आपको आईसीसी शेयर से देंगे, तो अर्निंग्स उनकी बड़ी हैं डेफिनेटली, मगर उनकी कोई राइट्स नहीं है अभी भी. उनके पैसे बढ़ गए मगर राइट्स एकदम भी नहीं है. ऑल्सो के पीछे से करवा रहे थे मेक्स इट साउंड सिनिस्टर, बट एक्चुअली दिस नहीं, इज अ बिल्कुल लॉन्ग ओवर ड्यू थिंग दैट हैज टू हैपन. पाकिस्तानी प्लेयर्स आर रियली बीइंग विद द बेस्ट मेस्ड अबाउट इंटेंशन. बोर्ड. हाँ, और इसलिए फीका की तरफ से बहुत इनिशिएटिव है कि जो है प्लेयर्स यूनियन बने पाकिस्तान में. और फिर जब प्लेयर्स यूनियन ना बनने की वजह में भी एट द एंड ऑफ द डे द और जिसका भी प्रेशर था, कुछ प्लेयर्स के ही फैसले थे. एंड आई थिंक दैट्स डेफिनेटली अफेक्टेड एवरीथिंग एल्स, बिकॉज देन यू नो द पीसीबी को आप वही कि इसको कंस्पिरेसी बनाने की तौर पे होगा इफ यू से कि उन्होंने फिर ये सोचा कि चलो इनको डिस्टेबलाइज करते हैं. वो नहीं था, मगर डेफिनेटली ऑल ऑफ द फॉल आउट ऑफ दैट वॉज नॉट ग्रेट फॉर एनी वन. इब्राहिम अभिषेक अक्सर ही कॉमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग द पॉडकास्ट, मेकिंग बिग, लॉट ऑफ पीपल लव इट. क्वेश्चन इज सबकॉन्टिनेंट के क्रिकेट कल्चर इमोशनली सुपर चार्ज एसोसिएटिंग ऑन फील्ड अचीवमेंट इंटरनेशनल प्राइड इक्वेटिंग लॉसेस टू शेम ब्ला 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 एंड द ऑस्ट्रेलियन स्लैश इंग्लिश क्रिकेट कल्चर स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट टीफिकेशन इज रेयर वी गो हार्ड फॉर द विन कंट्रोलिंग फॉर द डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स बिटवीन द टू रीजंस व्हिच ऑफ द टू कल्चर्स इज मोर कंड्यूसिव फॉर बेटर रिजल्ट्स. बेटर रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली द मोर काइंड ऑफ जर्मेनिक कल्चर इज सूटेड फॉर इट, बट फॉर मोर फन एंड जेप्स एंड लाफ्स एंड वाइब्स डेफिनेटली दिस कल्चर इज बेटर फॉर इट. ये सिंपल सा एक जवाब मैंने दिया है. आई थिंक ऑल्सो कि इसको ना अगर आप ब्रॉडन करें एंड इफ यू थिंक अबाउट इट कि अच्छा हम चाहते क्या हैं, ठीक है. सो आई थिंक आई डेफिनेटली फील लाइक यू नो फॉलोइंग द एनएफएल और इवन लाइक द प्रीमियर लीग इन द 90s, लाइक यू नो कि जब कोई टीम बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, आई डोंट सी देयर फैंस इवन हैविंग दैट मच फन, राइट. आई फील लाइक के समथिंग लाइक हाउ यू नो पाकिस्तान में अगर आपको हर 10-15 साल में एक जीत मिलती है, लाइक इट्स जेन्युइनली बिकम्स दिस ह्यूज अमेजिंग थिंग. सो यू नो लाइक आई फील एंड पर्टिकुलरली व्हेन आई लुक एट अदर स्पोर्ट्स एंड सी हाउ लॉन्ग टीम्स हैव गॉन विदाउट अचीविंग एनीथिंग, आई एम ओके विद दिस. यू नो लाइक आई थिंक आई डोंट रियली थिंक दैट यू नो वो होना चाहिए कि आप बस जर्मेनिक किस्म जैसे इस्तेमाल बात कर रहे हैं. एक दो कि अगेन लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस हियर, बहुत नुआंसेस, बट एंड ऑफ द डे पे कि इन दोनों मुल्कों में क्रिकेट इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. सो इट्स नॉट लाइक यू नो इंग्लिश फुटबॉल में जिस तरीके से वो पागल हैं, मतलब एंड बाय पागल आई मीन द हॉरिबल डिसीजंस दे हैव मेड फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स, यू नो दैट्स वेयर यू गेट अ सेंस के द क्वेश्चन इज इन As simplistic as that, but yeah, I think both of us would go for a lot more fun. Umar Farooq, congrats, onwards and upwards. Question is to you about the 90s rivalry between Wasim and Waqar, how it started, why they didn't play in 96 and 99. Did Wasim keep Waqar on the team? If you could shed some light on spot fixing, not explicitly, but was Wasim involved? I think Usman can answer this. I'll just say that in our episode Good with one. Wasim and Waqar, Usman can answer this. Good one. आई कैन आंसर दिस, बट मैं ये कहने लगा था कि जो हमारी वसीम वकार वाली एपिसोड्स हैं उसमें ये गुफ्तगू हुई है विदाउट मेकिंग इट लाइक हाउ द राइवलरी स्टार्टेड, बट दे बोथ टॉक अबाउट इट इन अ वे दैट आई थिंक गिव्स यू अ क्लू. या दैट्स प्रीटी मच माय आंसर. आई थिंक यू नो थोड़ा बहुत हमने भी बात करी है, थोड़ा बहुत ये भी था कि वसीम वाज द गाय हु वाज कमिंग अप, इमरान खान का चोजन था, फिर अचानक से वकार आ गया द बदमाश ऑन द सीन एंड ही वाज लाइक यू नो ही वाज एवरीथिंग. ही वाज आर्ची कॉमिक्स इज प्रॉब्ली द वर्स्ट लेमेस्ट एनालॉजी, बट रेजी मिलर आ गया और एक आरजे एंड्रूस था बेचारा वसीम अकरम, एंड यू नो वकार वाज एवरीथिंग, लाइक ही डिड सो मच स्टफ. यू यू विल थिंक ऑफ अ बेटर एनालॉजी आई एम श्योर, कोई गालिब और कोहली को तुम फिर से घुसा दोगे इसमें. लेकिन ये हुआ थोड़ा बहुत, और फिर यू नो एज वसीम सेज
एड नोजियम के देन दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर बिकॉज दे वांटेड टू डू बेटर देन द अदर. वो चलता गया देन द करप्शन एलिमेंट्स केम इनटू दैट टीम एंड द फैक्शनलिज्म एंड ऑल एंड दैट मेड इट ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे लाइक मेनी फ्रेंड्स फ्रेंडशिप एंडेड. What was it? कौन सा मीम है यार, तुम ही समझाओ मीम के थ्रू वो जो है. Everyone got it. Friendship ended with the card. Friendship ended now, but it's begun again. दोस्त होते हैं नहीं होते हैं, it's that kind of thing. Two things I'll add to that. A, के both talk about it near the end of their careers, their wives made them kind of be like, okay, please start behaving like adults. I think they both also speak about the fact that end of the day, they were guys in their early 20s who were kings of the world. They were, you know, they did stupid things because they were kids. And I think yehi ek cheez hai ki hum log bahut zyada rivalry is that, but you see that in so many sports and so many spheres, creative spheres, ke like two people come up, they're contemporaries, they're really good, and they're both, you know, trying to outdo each other, and as such, like, people want to impose like all these kinds of things on them, and maybe they fall for it as well. But at the end of the day, the thing that they're doing is trying to be really good at what they're doing, like at fast bowling in that case. Case in a way, Waqar's injuries again stopped the trajectory that you thought it could have taken. The same way, you know, ek waqt pe Naseema Shaheen ka bhi yehi lag raha tha. And maybe if they stay fit and are healthy and fine form again, you would see that. Kyunki ye natural kisam ki rivalry hoti hai. This is, you know, common to a lot of sports. And then shed some light on spot fixing. So being pedantic, match fixing ho rahi hoti thi 90s mein. Was Wasim involved? I think, like, you know, there's a lot of Qayyum report wagaira mein. They're more or less, they don't have slam dunk evidence, but otherwise they're pretty sure on it. The reporting done by Farishta Aslam at the time and for quite a few other people. There's Usman's book. So yeah, kar rahe the sub fixing. 12395 Hobo, love the podcast. I almost gave up watching during internet issues. Glad I stuck around. Pakistan cricket fan, your podcast provides much needed catharsis. I know of many of Pakistan's performance issues could be resolved with a long-term plan. However, since that seems virtually impossible, is there something that can be done in the short term? However, what is the bit? It's all these problems can only be resolved with long-term plans. However, since that seems impossible, is there something that can be done in the short term? No, sorry. Short term, आपको यही मिलेगा कि एक मैच कभी कभी शायद गलती से आप जीत जाएं और बहुत अच्छा लगेगा सबको. और फिर लॉन्ग टर्म में आप यही ठुड्डे खाते रहेंगे. और बेसिकली we've said it so many times यार, हमने इसी शो पे कितनी बार कहा है कि deep lying structural problems हैं जो mostly are linked to the way the PCB is run, which is not just the people who run it, but the people who appoint those people who run it. You know, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आज ही मैं अपना आर्टिकल लगाया है PCB की डिसफंक्शन पे. Actually, yeah, just expand on that a little bit, because I think it's so I put an article up today just like logging के पिछले तीन साल में कितने changes पाकिस्तान ने बैकरूम स्टाफ में, कोचिंग में, सिलेक्शन में, और चेयरमैन कितने चेंज हुए हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स कितने चेंज हुए हैं. एंड इट्स अ रिडिकुलस अमाउंट. इट्स देव हैड 8 हेड कोचेस, या तो इंटरिम या फुल टाइम. देव हैड 5 डिफरेंट चीफ सिलेक्टर्स प्लस 23 सिलेक्टर्स ओवरऑल. देव हैड 3 कैप्टन्स व्हिच इज एक्चुअली प्रीटी चिल, बट 4 बोर्ड चेयरमैन. यू नो, तो इस तरह की पागलपन अगर चलेगी और ऐसे चेंजेस आएंगे. आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज दैट रियली मेड अ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल इज Najm Sethi came back in 2022 December he came back. और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था 2019 का, जिसमें चेयरमैन की पावर बोर्ड में कम थी और जो चीफ एग्जीक्यूटिव था और जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट थी उन्हें ज्यादा मिला था. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी थे बोर्ड पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे who were not part of the PCB, who were, you know, outside independent directors. It wasn't perfect because by that time Ramiz Raja had also kind of, you know, steered the system, the constitution, ke uske paas sab powers aa gayi thi, and he had like an ineffectual chief executive who replaced Wasim Khan. But wo constitution tha, so, you know, theoretically you could change it and you could keep it that way. But Najm Sethi came in, and for reasons that have never really been explained properly, God knows why, he switched the constitution back to an older, less democratic version, 2014 ka. उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब बोर्ड चल रहा है जिसमें चेयरमैन के पास सब पावर है,
So then you have situations where, you know, every decision is taken by the chairman and nobody takes any decisions, nobody does anything. They just wait. Yeah, chairman sahab jab sign kar denge, tabhi hum kuch karenge. Aur sab ideas chairman se aate hain, he takes all the decisions. That's just, you know, one of the changes that has happened. Is tarah ke changes hote rehte hain Pakistan cricket mein. Like, you know, every 5 years, every 6 years. Agar aap Pakistan cricket board ki tareek dekhein, to usme jo stable aur productive aur achhe jo periods rahe hain, wo nisbatan normality se bahut kam rahe hain. Like the actual status quo of Pakistani cricket administration is that it's really bad. It's badly done. It's, run by people who don't know or don't care that much about the game, but they have hands on a lot of money and a lot of power and a lot of influence. Aur jab tak aap wo ek system nahi change karenge, jis system se jo prime minister hota hai mulk ka ya president hota hai, hamara jo bhi parliamentary system chale ya presidential system chale, jab tak aap wo system nahi change karenge ki wohi appoint karte hain chairman cricket board ke, to ye chalta rahega forever, basically. Jab tak aap wo nahi change karenge, to is board mein essentially aapke paas kabhi kabhi 5-6 saal ke liye koi acha aa jayega, Shehryar Khan jaise koi aa jayenge, Ehsan Mani jaise koi aa jayenge, Noor Khan jaise koi aa jayenge jo actually kuch kar sakenge. Lekin the history of cricket here and the history of the cricket board will be determined by that one thing which allows the prime minister of the country, a political person, to appoint his man, and never a woman, by the way, but his man as the chairman of the PCB. And that, as long as that's there, which, sad to say, on the occasion of our 5,000th subscriber celebration, that I have to leave it on this note, ke kuch nahi hone. I think I'll just add to that, ke, you know, the short term ki baat ki, like the one thing that Pakistan cricket still has in its favor is there's a lot of low hanging fruit even now. Our cricket is so popular in your country that it means that you can have things that will bring joy to the fans without having to do too much. Like there is a world even that, despite all the million issues with it, if the Champions Cup is coming and it's, you know, for whatever reason, koi ek do cheeze usme tab bhi log dekh rahe honge, kar rahe honge, like because it is that way. Yeah, like as Usman said, like there's enough evidence to see ke har 5-10 saal mein kuch na kuch galti se bhi kahin na kahin pahunch ke Pakistan ke saath kuch hota rehta hai. You know, we've said on the show a million times that there's larger issues with the sport itself. So usme bhi kabhi koi change aata hai, kuch aata hai, sometimes it helps, sometimes it hurts. Yeah, that's how it's going to be. Nasr Sen's already put it better than either any of us.